पापा ये मेरा दोस्त है बिल्ली। उसी व्हाट? अरे बिल्ली 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 नहीं। ओ कहां से है? यूके। ओहो उत्तराखंड से? यूनाइटेड किंगडम लंदन। फादर लंदन। हेलो मिस्टर बाबलू, हाउ डू यू डू? आई सिट एंड डू दिस हैंड फॉर रबिंग एंड वॉशिंग। किस 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 किस। अरे वो पूछ रहा है कैसे हो। हेलो हेलो वेलकम, माई सेल्फ बबलू फ्रॉम इंडिया। ही इज माई सन ऑफ मी एंड शी इज माई वाइफ जानकी। ओके फीमेल हिज मदर ऑफ वन। Hello, Mrs. Janki. Okay. I've heard a lot about you from BB. Okay. She didn't say anything. She just says okay. 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 So what do you do? I'm currently studying in University of London. Oh, London School of Prick and Balls. अरे नहीं 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 नहीं. He's just kidding. What? He's just kidding. क्या कह रहा है? बोल रहा है मैं बच्चे कर रहा हूँ. मम्मी पापा किडिंग का मतलब होता है मजाक कर रहे हो, उसके सामने भी लड़ाई कर लो, मार लो चक्कू दोनों एक दूसरे के। इसको समझा लड़ती रहती है पूरा दिन। बीबी योर डैड इज अ फनी गाय। आई लाइक यू। आई लाइक्स यू टू। लेट्स हैव फूड टू ईट विद हैंड्स। आई एम कूल विद इट। सो व्हाट आर वी ईटिंग टुडे? भिंडी की सब्जी बनाई है मम्मी ने आज। भिंडी? भिंडी भिंडी मींस लेडी फिंगर। औरतों की उंगली? अरे बेटा क्या बोल रहा है, औरतों की उंगलियां काट के थोड़ी खिलाती है। इंग्लिश में भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं फादर, समझे? भिंडी That is some serious shit, bro. अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है ये तो टट्टी है। मेरी भिंडी को टट्टी बोल रहा है ये उल्लू का पट्टा। कैसे दोस्त है तेरे? हटा इनको, निकाल यहाँ से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं बोला यार, वो क्यों उसके सामने इज्जत का फालूदा कर रहे हो दोनों। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? सबकी जॉब लग चुकी है और हम दोनों अभी तक वेले बैठे हैं। अबे क्यों टेंशन ले रहा है, सब सही होगा, तेरा भाई तेरे साथ है। यार अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं है कि क्या करना है। अच्छा बता तेरे को क्या बनना है? सोच रहा हूँ पुलिस में भर्ती हो जाऊँ। क्या, 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 क्या? पुलिस? शक्ल देखिए अपनी, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में तेरे एल लग जाएंगे। एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट। स्पेलिंग बताइयो। ESES। वाह वाह यार, वो कल इंटरस्टेलर देखी थी ना, फील आ गई। अच्छा 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 ओहो, तभी मैं समझू। लास्ट वीक हमने दबंग देखी थी इसलिए तुझे पुलिस में जाना था। हाँ यार तूने इंटरस्टेलर देख ली, एस्ट्रोनॉट बनना है। मैंने परसों रागिनी एमएमएस देखी थी, पॉर्न स्टार बन जाऊं। कम ऑन यार, ये तो बेस्ट आइडिया है यार, मजा आ जाएगा। उसमें तो ना शक्ल दिखानी होती है ना एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तू पागल है क्या भाई? अगर हौसले बड़े हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसमें सिर्फ हौसला बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए बड़ा। और मैं तेरे साथ बचपन से हूँ, अंगूर वाले, समझा? यार ऐसे कैसे, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, रिलैक्स कर, तेरा भाई तेरे साथ है। यार कितनी ऐश करे यार, कॉलेज से पास आउट हुए 2 साल हो गए, जिसको देखो या तो जॉब कर रहा है या शादी कर रहा है, और मैं यार टॉरेंट से मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स सब कॉलेज ड्रॉपआउट्स थे, आज देख एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। बेटा तेरा MBBS का रिजल्ट आ गया। तेरा भाई तेरे साथ है, तेरा भाई तेरे साथ है। धोखेबाज, तूने कभी एग्जाम दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? तूने तो मुझे बोला था तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए नहीं मिल सकता। इतना बड़ा धोखा मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा टेंशन मत ले, फेल हो गया है। क्या क्या? अब हम क्या करेंगे यार? वही बन जाए। देखो भाइयों, ये वीडियो सिर्फ मज़े के लिए है। मैं भुवन बाम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ये वीडियो मैं किसी को दुख पहुँचाने के लिए नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आपको इसकी कोई शिकायत है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखती रहिए यूट्यूब रोस्ट। ये साल भी ख़त्म होने को आ गया। अरे यार फिर वही बात, हर साल सब यही कहते हैं यार। और तू, तेरी बंदी है? भाई बंदी ही क्यों, अगर वो छक्का हुआ तो बंदी कैसे चलेगी यार, समझा करो तुम लोग।
रेगुलर सेक्स यार, ये रेगुलर सेक्स क्या है, हर रोज करता है क्या यार? पॉर्न स्टार भी हर रोज सेक्स नहीं करते, कमाल करते यार तुम लोग। ये कौन सी टाइमिंग है यार सेंटा के आने की? मैंने तो सुना था जब रात को लोग सेक्स करते तब आता है वो। गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, यही है वो लालची प्राणी। अगर आपने इसे कहीं देखा हो तो तुरंत यूट्यूब रोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। तुम कितने सेल्फिश हो, चुप कर जाओ चूतियों। कैसे हो? बिल्कुल सेम दिख रहे हो, आप तो चेंज भी नहीं होते। जब मैं पैदा हुआ था तब डॉक्टर ने कहा था मुबारक हो दादाजी हुए हैं, सेंटा नेवर एज। अरे अगर असली सेंटा ने देख लिया तो मार देगा तुम्हें रे, ऐसे बकचोदी मत किया करो तुम लोग। तो इस बार कैसे आए हो? बुलटते ठल्ले खड़ी है। आप पंजाबी हो? हैं, ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? अरे बुलेट मेरे पास भी है, मैं थोड़ी ना पंजाबी हूँ। अरे ऐसा थोड़ी रहता है, अब हर शहर में जाना पड़ता है तो वहाँ की लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए ना। हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, तुम्हें क्या जरूरत किसी भाषा की? तुम तो चिमनी से आते हो, रात के अंधेरे में गिफ्ट रख के चले जाते हो। अरे बहनचोद तू किससे बात करता है बे? बताओ ना, आपको किसी ने बुलेट पे आते हुए नहीं देखा? I told you, some naughty naughty बच्चे मुझे देख सकते हैं, शरारती बच्चे मुझे देख सकते हैं। ये किस एंगल से शरारती लगता है यार? ये तो वो है रेगुलर सेक्स करने वाला। क्या करने वाला? क्या रेगुलर सेक्स? वैसे आपका स्टाइल गजब है, हमने जितने भी सेंटा देखे उनको कभी फंकी गॉगल्स लगाते हुए नहीं देखे। हाँ तुम कैसे देखोगे ऐसा बकचोद सेंटा? अरे साइड से देखो यार, ये भुगन बाम है, भुवन बाम है। सुन लिया? ऐसी आवाज तब आती है जब क्रिसमस ट्री को आपके गांड में घुसेड़ देता है। अरे मैंने सुना नहीं ठीक से, कैसी आवाज बोल रहा था तू? एक बात बताओ वैंचो, आपने बचपन में सबके सॉक्स में चॉकलेट डाले, मेरे में क्यों नहीं डाले? तू तो 10 साल की उम्र में भी हिलाता था, तब सॉक्स से काम चलाता था और मैं गंदे सॉक्स को हाथ नहीं लगाता। हैं, तेरी आंखें है या लंड, कहीं भी घुस जाते हैं यार, कितनी बड़ी हो गई है देखो जरा उन्हें। तू क्या बचपन से ही ला रहा है? एक्टिव उंगली से पकड़ता था? नहीं, पैर से पकड़ता था। अरे भाई जब उसका लंड छोटा होगा उस उम्र में तो उसका हाथ भी छोटा होगा ना यार, समझा करो यार तुम लोग। एक लॉयल गर्लफ्रेंड जो से मुझसे प्यार करे मैं, टाइम आने पे बन जाएगी। चिल मार, चिल और मुठ, पिछले 1 साल से यही मार रहा हूँ। सिर्फ 1 साल? अरे भाई तुम्हारी उम्र को देख के लगता है 5-6 साल से मुठिया पेल रहा है तू। मिल गया वैंचू, मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मिल गया, मैं जो बोलूं वो सच हो जाए वैंच। क्या बकवास विश मांगी है यार, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना मैं बोलता मेरी जिंदगी भर की इच्छाएं पूरी हो जाए। ये कैसा मंत्र हुआ यार, ऐसे तो मैं भी कुछ भी बोल के कुछ भी कर डालूंगा। सुनो मेरा मंत्र, कंड रहो स्वाहा। तेरा चश्मा वैंचू गायब हो जाए। अबे कहाँ गायब कर दिया? मुझे क्या पता, साले 2000 रुपए का था ब्रांडेड, मुंह में ले ले मेरा। ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, मतले। देखो यार बुगी मैन, भूगम बाम, भुवन बाम के इस चेहरे की वजह से मैं भी जरा कंफ्यूज हो गया हूँ। पहली बात तो ये हो सकती है कि उसका स्वाद गंदा हो, या दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि झाट के बाल गले में फंस गए हो। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब रोस्ट को। 2017 में मेरे आसपास लड़कियां ही लड़कियां होंगी, खूब सारे पैसे होंगे, उसके लिए मेहनत लगती है, सबका बाप बन के दिखाऊंगा मैं। हाँ शिमा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? I'm pregnant. अरे ये कौन सी सच्चाई बाहर आ गई यार, अभी तूने बोला कि 1 साल से मुठिया पेल रहा है, तो ये तूने काला कांड कब कर दिया? इस मासूम शक्ल को ध्यान से देखिए, हो सकता है आपके आजू बाजू रहता हो सकता है इसका यूट्यूब पे चैनल हो। ध्यान रखिए, इसने एक काली रात के अंधेरे में एक काली के साथ अपना मुंह काला करवाया था। तो आपके घर वालों को इससे बचाए रखे, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए यूट्यूब रोस्ट। मैंने कहा था सोच समझ के बोलियो, बेचो मेरी गांड फट रही है यार। नहीं फटी, नहीं फटी, नहीं फटी, नहीं फटी। प्रीति, शिवानी, स्नेहा, सबके मैसेज आ रहे हैं यार, आई एम प्रेग्नेंट, यू आर द बाप। इसका मतलब ये हवस का पुजारी एक ही काली रात में इतनी सारी कालियों के साथ अपना मुंह काला करवा के आया है। लेकिन भाई सवाल तो अभी भी बनता है, तूने ये सब किया कब? अरे बेटा इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ नहीं पापा। अच्छा बेटा, मिसेस वर्मा आलू चाट की दुकान खोलने का सोच रही है, तो उसका टैग लाइन पूछ रही थी, जो दुकान के बोर्ड के बाहर लगा होता है ना वो, तो थोड़ा सोच के बता। मिसेस वर्मा की चाट लो। ठीक है, चाट के आता हूँ। इनको कैसे पता कि मिसेस वर्मा का क्या चाटना है? अभी तो बीबी ने कहा कि चाट लो, क्या कहा?
मिसेस वर्मा की चाट लो। सो माय पॉइंट इज, अरे पापा को कैसे पता चला चाट ना कैसा है बे? फिर से सुनो उसने क्या कहा। मिसेस वर्मा की चाट लो। हेलो मैचो, क्या गर्ल्स कॉलेज में गाड़ी की नौकरी, पागल है कि चिराग की औलाद? 2017 में मेरे आसपास लड़कियां ही लड़कियां। देखो भैया, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी सलाह मान लिया करो, मुफ्त की दारू मत पिया करो। अगर बचपन में साइंस सीखी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब तुम लोग पूछोगे, अरे बेंचर साइंस क्या काम आएगी इधर? हाँ, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप सोच के देखो इसमें क्या लागू होता है और फिर अपनी गन मराओ। हेलो, खूब सारे पैसे होंगे। ये क्या है यार, वो हमेशा बेंचो बेंचो करता है।